हेलो दोस्तों, पित्त पक्ष में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसे कार्य करते हैं तो हमारे पित्र हमसे नाराज हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती और हमें दोष भी लगता है। ऐसे काम हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। पित्त पक्ष में हमें शराब को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही पीना चाहिए, क्योंकि पित्त पक्ष इससे नाराज हो जाते हैं और हमें दोष लगता है। इसके साथ ही हमें मांस मच्छी भी नहीं खानी चाहिए, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही हमें वो सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए जो पित्त पक्ष में नहीं खाई थी, जैसे कि आलू, अरबी, मूली, बैंगन, लहसुन, प्याज। इन सब्जियों का सेवन हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी दालें भी होती हैं जिन्हें हमें पित्त पक्ष में खाना वर्जित माना गया है, जैसे मसूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल और चना के सत्तू से बनी हुई चीज़ें भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। मांगलिक काम, जैसे पित्त पक्ष में मांगलिक काम नहीं करने चाहिए दोस्तों, क्योंकि पित्त पक्ष का समय मांगलिक कार्य करने के लिए नहीं होता है। इस समय हमें ना तो ही घर प्रवेश, ना ही शादी, ना दुकान की मुहूर्त, कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए, ना ही गाड़ी भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस समय हमें अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन से उनका श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पित्त पक्ष में हमें किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी से अशब्द बोलें। पता नहीं किस रूप में आकर हमारे पितर हमसे मिलने आए, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पित्त पक्ष के समय हमें ये तीन चीज़ें ना तो ही बाज़ार से लेके आनी चाहिए, ना हमें किसी और से लेनी चाहिए। ख़ास तौर पर हमें झाड़ू, सरसों का तेल और नमक, इन तीन चीज़ों को कभी भी हमें पित्त पक्ष में किसी से लेना भी नहीं है और ना ही किसी को देना है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। हिंदू धर्म में पित्त पक्ष का एक विशेष ही महत्व होता है। इस पित्त पक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम पित्त पक्ष करते हैं। कहते हैं कि पित्त पक्ष के दौरान हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ना ही इन चीज़ों को भूलना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पूर्वज हमें धरती लोक में आके हमें अपना आशीर्वाद देते और अपने घर में आते हैं। जब हम अपने पूर्वजों का तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो हमारे पूर्वज खुश होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं। कहते हैं बड़े बूढ़ों और पूर्वों से बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं होता है, इसलिए इनका आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। पित्त पक्ष के दौरान हमें ब्राह्मण को खाना अवश्य खिलाना चाहिए, साथ ही हमें कुत्ते को, गाय को, कौवे को खाना अवश्य खिलाना चाहिए, जिससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वो खुश होते हैं। ये चीज़ें हमें पित्त पक्ष के दौरान कभी नहीं भूलनी चाहिए, इसका हमें नियम और पालन करना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए।